नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मंगल देव अगर पांचवें घर में हो तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी नेटिव की लाइफ में। सबसे पहली चीज कि पांचवा घर क्या है। पांचवा घर जो है वो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल्स को भी बताते हैं, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है उसको बताते हैं। तो अब मार्स जैसे प्लैनेट अगर यहाँ आके बैठ जाते हैं, उस कंडीशन में आप देखिए कि जो बच्चा है या जो नेटिव है वो अपने एजुकेशन के लिए बहुत फोकस्ड होता है पढ़ाई लिखाई में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि फोकस तो उसका होता है लेकिन मार्स शॉर्ट टर्म फोकस होता है। आज वो बच्चा बोल रहा है मेरे को ये कोर्स करना है, कल वो बच्चा बोलेगा मुझे मेरे फ्रेंड ने दूसरा कोर्स ऑप्ट किया है, उसमें जो है करियर चांसेस जो है वो ज्यादा अच्छे हैं तो मुझे वो कोर्स करना है। मतलब उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, मतलब उनका फोकस जो है वो कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ जाता है, क्योंकि मार्स जो है वो भी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो अब आप देखिए कि ऐसे जो नेटिव्स होते हैं, स्पेशली ये देखने में आया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग पढ़ते तो कुछ और हैं लेकिन जब वो करियर ऑप्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई और क्वालिफिकेशन ली, मान लीजिए बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद वो अचानक से इंटीरियर डिजाइनर बन गए, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली उनका एजुकेशन और उनका प्रोफेशन 99% केसेस में मैंने ऐसा पाया है कि बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब उनके लिए जो उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करी है वो ज्यादा यूजफुल होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। उन्होंने जो किताबों में पढ़ा है वो उनके काम जो है वो इतना नहीं आता जितना कि उन्होंने प्रैक्टिकली जो नॉलेज अटेन करी होती है उससे उनको हेल्प मिलती है। उसके अलावा आप देखिए कि फिफ्थ हाउस क्या है, वो हमारा थिंकिंग पैटर्न भी है। अब ऐसे लोग जो हैं उनके दिमाग में हमेशा थॉट्स जो है ना वो चलते रहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि फिफ्थ हाउस से मार्स जो है वो इलेवेंथ हाउस को भी देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं। पांचवा घर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज भी है, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करना या बिटकॉइन वगैरह ये सब चीजें, शेयर मार्केट, तो किसी भी तरीके का स्पेक्यूलेशन जो है वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो ये लोग शॉर्ट टर्म गेन्स, ये आप देखेंगे कि जैसे सैटर्न फिफ्थ हाउस में आएंगे तो वो लॉन्ग टर्म गेन्स को प्रीफर करेंगे कि हम ये पैसा 10 साल के लिए फिक्स कर दें, 15 साल के लिए फिक्स कर दें, तो वो लोग दूर का सोचते हैं क्योंकि सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो वो क्या करते हैं कि वो उस चीज को स्लो कर देते हैं। जबकि मंगल क्या है, ऐसे लोग जो है वो ट्रेडिंग वगैरह से जल्दी पैसा कमाने के लिए क्विक मनी, तो वहां पे इन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि जब आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप उस हिसाब से अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो स्पेक्यूलेशन आप उस हिसाब से कीजिए कि सब कुछ उसमें इन्वेस्ट मत कर दीजिए, मतलब आप जो है थोड़ा ध्यान दीजिए कि मेरे को इतना ही परसेंट जो है अपना सैलरी का या अपना जो मेरी इनकम है उससे मेरे को खेलना है। आप अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कई बार जो है हम लोग जैसे देखते हैं कि बहुत बड़े लॉसेस उठाने पड़ते हैं कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में, कि जो है घर बार उनका गाड़ी सब कुछ बिक गया। तो जो है कि मंगल जो है कई बार वो इतने हेस्टी डिसीजंस जो है वो आदमी ले लेता है जल्दीबाजी में, जिसको बाद में जाके उसको काफी उसका लॉस उठाना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ हाउस मार्स की, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे चाइल्ड बर्थ का भी है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं उनको लाइफ में एक ना एक बार ये वाला इशू जो है आता है। अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस मार्स के ऊपर आ जाते हैं तो वो कंडीशन में कई बार मिसकैरेजेस या इस तरीके की चीजें मार्स जो है वो देने में केपेबल है। लेकिन अगर वही मार्स को जुपिटर एस्पेक्ट कर लें, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए मार्स को अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर लें, तो आप देखेंगे कि गारंटी है उनके चार्ट में कि उनको बेबी होगा। माने जुपिटर, क्योंकि वो स्वाभाविक जो है वो एक बेनिफिक प्लैनेट है और बच्चे जो है चाइल्ड बर्थ के कारक हैं जुपिटर, तो आप देखेंगे कि जुपिटर का एस्पेक्ट अगर आ जाता है या जुपिटर साथ में बैठ जाते हैं उस कंडीशन में चाइल्ड बर्थ जो है वो डेफिनेट है कि होगा और कोई इतना प्रॉब्लम या कोई इतना इश्यू नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि थोड़ा राहु वगैरह या केतु वगैरह का इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो फिफ्थ हाउस में केतु का भी एक नक्षत्र आता है
दैट इज मघा नक्षत्र। तो वहां फिफ्थ हाउस में केतु की भी एनर्जी वहां पे इन्वॉल्व है। अब क्योंकि मार्स वहां आ गए तो आप देखेंगे कि सिजेरियन के थ्रू सर्जरी या मिसकैरेज हो गया तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर लें तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम नलिफाई हो जाता है। अब देखिए फिफ्थ हाउस क्या है, वो हमारे लव और रोमांस का, हमारे रिलेशनशिप का जो है उसका भी कारक है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है वो बहुत ही पैशनेट होते हैं। फिफ्थ हाउस में मार्स जो है वो अपने लाइफ पार्टनर या अपने लव रिलेशन की तरफ बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन जो है ये कमिटमेंट, आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्स जो है वो कमिटमेंट इश्यूज जो है वो उनको कभी नहीं देगा। वो लोग जिसके भी साथ इन्वॉल्व होंगे 100% लॉयल रहेंगे, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा उनमें वो मार्स की क्वालिटी आ जाएगी, थोड़ा सा वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके का प्रॉब्लम। अदरवाइज वो अपने लाइफ पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग होंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो मार्स जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठ के एर्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं अपनी चौथी दृष्टि से। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का स्वाभाविक जो है वो इंटरेस्ट अपने आप जो है अकल्ट की तरफ या इन चीज़ों की तरफ रहेगा। ये लोग अगर मूवीज भी देखेंगे तो इस तरीके की देखना पसंद करेंगे जिसमें जैसे हैरी पॉटर टाइप की, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली बाकी लोगों के लिए जो चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो इन लोगों को थोड़ा हिडन चीज़ों में अकल्ट की तरफ भी इनका ध्यान हो सकता है, जैसे कुंडलिनी वगैरह जागृत करने के लिए जो कुछ लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट रहता है, तो ये वहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट दे सकता है। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी नहीं तो न्यूमरोलॉजी वगैरह या इन तरीके, मतलब पामिस्ट्री में, तो इस तरीके के फील्ड में आपको इंटरेस्ट दे दें। लेकिन जब एट हाउस इन्फ्लुएंस होगा तो उनमें इस तरीके की थोड़ी सी टेंडेंसी होगी, और दूसरा थोड़ा सा डिटेक्टिव टाइप का नेचर होगा कि चीज़ों में घुस के उसको जड़ तक जो है वो पता करना। क्योंकि केतु की एनर्जी जब फिफ्थ हाउस में आ रही है तो केतु क्या है, केतु जो है वो जड़ों को बताते हैं, तो केतु जो है वो रूट है। तो इसी तरीके से जब मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट एट हाउस पे आता है तो ये लोग थोड़ा डिटेक्टिव टाइप के नेचर, जैसे आप देखेंगे कि इन लोगों को जेम्स बॉन्ड टाइप की मूवीज या कोई सस्पेंस थ्रिलर कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, उस तरीके की मूवीज देखना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। उसके अलावा जैसे इन लोगों का इंटरेस्ट इन चीज़ों में भी होगा कि जैसे हॉरर मूवीज वगैरह, क्यों, क्योंकि एर्थ हाउस जो है वो हिडन है, तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं तो भूत प्रेत वगैरह, तो ये सब भी एर्थ हाउस की एनर्जी है। तो आप देखेंगे कि इन लोगों को उन चीज़ों की तरफ भी बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रहता है, देखने में मूवीज में या पढ़ने में, तो ये लोग इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मार्स इन फिफ्थ हाउस के ऊपर। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्स अगर सिक्स हाउस में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी नेटिव के जीवन के ऊपर। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।